पत्थर मार दिया सुमेरपुर पे पहुंचे थे, देखो पत्थर मार गया यार, शीशा फोड़ दिया पूरा ये वाला। को मीटिंग चल रही है हमारे देश में दोस्तों, राजस्थान पूरा पूरा पहला चक्कर ही गाड़ी है। हेलो तो दोस्तों, कैसे हो सब? आई होप सब बहुत मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, सबको जय श्री राम और प्यारी सी गुड मॉर्निंग। जस्ट सुबह के 9:30 और आपका भाई कहाँ है? माउंट आबू रोड, माउंट आबू। और भाई अभी नहा धो के जस्ट चाय वाय पी के आपका भाई सफ़र के लिए रेडी हुआ है, और मैं करूँगा पहले गड्डी स्टार्ट। और भाई हम करेंगे गड्डी स्टार्ट, जिससे कि भाई हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी। और भाई मैं बताता हूँ अपना सीन कैसे कैसे रहा। तो भाई कल को हमारी गाड़ी आधी लोड नहीं, परसों हमारी गाड़ी आधी लोड हो गई थी रात को। और उसके बाद भैया अगले दिन हमारे साथ क्या हुआ, अगले दिन भैया बहुत चैड़ा काम हो, अगले दिन भी हमारी गाड़ी लोड हो गई थी आधी। फिर शाम को निकल गए थे, कल को शाम को निकल के आपके भाई ने गड्डी चलाई, गड्डी चल गई 350। और ये देखो ये माउंट आबू आ गया अभी, और अब चलने की पूरी तैयारी है। हमारा माल कहाँ का है भाई? हमारा माल है भैया गुवाहाटी का, गड्डी जाएगी गुवाहाटी, पिछवाड़े में आ जाए लाठी, जाना शहर गुवाहाटी, समझ रहे हो? तो भाई निकलने की पूरी तैयारी आपके भाई की। और भाई भाड़ा क्या लगा? भाड़ा बताऊंगा मैं आपको एंड में ब्लॉग के, भाड़ा बताता हूँ मैं आपको एंड में। और भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई गाड़ी की व्यवस्था करो यार हमारे लिए, मतलब कंडक्टर को गाड़ी सीखनी। भाई जिस भी भाई को गाड़ी सीखनी है ना, देखो भाई पहले तो भैया मैंने एक टेलीग्राम पे चैनल बना रखा है भाई, ठीक है, उसे ज्वाइन कर लो। उसमें ना रोबिन ट्राला ब्लॉग चैट करके भी एक चैनल है टेलीग्राम पे, उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा इसी ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो भाई उसको ज्वाइन कर लेना और भाई उसमें कमेंट कर देना, ठीक है? और भाई मैं साफ बोल रहा हूँ भाई, देखो गाड़ी सीख लो, मैं भेज दूंगा आपको, बहुत सारे ड्राइवर हैं, 5-6 हज़ार रुपये की तनख्वाह भी दिला दूंगा मस्त करके। अपना मस्त करके रहो और गाड़ी सीखो अपना, एक साल में आप गाड़ी सीख जाओगे बढ़िया। देखो भाई गाड़ी जो इंसान सीख जाता है, पहले चलते हैं फिर बताऊंगा, गाड़ी तो इंसान सीख जाता है। और छोटा चेतन देख लो भाई कैसे घोड़े बेच के सो रहा। पहले निकलते हैं यार, बहुत देर होगी यार, यहाँ नहाने धोने में 10 बज गए पूरे। भाई गाड़ी लेकर निकल गए। और आपको भाई क्या बता रहा था? भाई मैं बता रहा था कि भाई देखो हमारे जो स्टाफ है, देखो हमारे कंपनी के ड्राइवर हैं, उसमें देखो मोनू के भैया के पास कोई नहीं है, ठीक है, कुलदीप भाई के पास कोई नहीं है, और भी 2-4 बंदे हैं जो अपने हैं, उनके पास भी कोई नहीं है, ठीक है भाई? तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। प्लस यार देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या, मैं गाड़ी पे इसलिए नहीं तुमको भेजना चाहता क्योंकि भैया बहुत हार्ड वर्क है, चिड़चिड़े हो जाओगे भैया, और गर्मी आ गई है भैया, पसीना नहीं सूखने का बदन का बिल्कुल भी। जब नए नए होंगे ना तो भैया बिल्कुल खुजली आई, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक है, जड़ास से हो जाएंगे, मतलब दाने हो जाएंगे भाई, बहुत गर्मी लगती है, पसीना ना सूखने का नहीं गर्मी में। हार्ड वर्क भाई, बहुत हार्ड वर्क है भाई। एक तो देखो तुम्हारे को ये वाली गर्मी है, जो देखो जो बाहर गर्मी पड़ रही, बाहर कमरी गर्मी का कितना टेम्परेचर है ये मुझे पता नहीं, फिर ठीक है ये मीटर देख लो, ये टेम्परेचर, ठीक है 90 का टेम्परेचर, 80-85 के टेम्परेचर पे गाड़ी नॉर्मल चलती है, और गर्मियों में भैया 90-92, ठीक है? और ये टेम्परेचर जो यहाँ से लगता है उसका टेम्परेचर, भैया पूरी गाड़ी हीट रहती है अंदर से, बैठा नहीं जाता तब भी गाड़ी चलती है भाई। तो भाई इन सब चीज़ों को देख के पहले यहाँ गाड़ी साइड में लगाते हैं, कुछ लेना है यहाँ से ड्राइवर बन गए, आपको आपके अंदर ना घमंड नहीं आना चाहिए, ठीक है? ड्राइवर बन गए और घमंड आ गया, उस चीज में मत रहना कि भाई ड्राइवर जब बनता है ना इंसान, एक साल में मतलब गाड़ी का चलाने लग जाता है, वो सेकंड ड्राइवर बनता है। तो भैया सेकंड ड्राइवर के बाद जब वो अपनी लाइफ जीतता है, ट्रक चला के जब वो अपनी लाइफ में गाड़ी चला रहा होता है और वो जी रहा होता है, तो भाई वो जो उसकी लाइफ रहती है सेकंड ड्राइवर से फर्स्ट ड्राइवर तक पहुंचने की, वो जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहता है वो रहता है सबसे हार्ड, ठीक है? जब सेकंड ड्राइवर से फर्स्ट ड्राइवर पहुंच जाओगे, आपको अलग गाड़ी मिल जाएगी, तब उससे तगड़ा एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि अकेले गाड़ी चलाओगे हर रोड पे आपको खुद चलानी है गाड़ी, चाहे वो घाट हो, चाहे
चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, तो भैया उस चीज में और ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। तो हमको यहाँ बैठ के और यहाँ बैठ के सारी जगह एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब बनते नहीं हम इतनी, मतलब वो नहीं बन पाते जो बनने के लिए आए हैं। ड्राइवर बन जाए बोलते हैं ना, ड्राइवर बन गया भैया। हमारा जो काम है ना इसे परमानेंट, डेली आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। मतलब किसी दिन आप मीटर को देखोगे तो मीटर में कुछ ना कुछ ढूंढोगे। तो मतलब ये गाड़ी का काम जो है वो डेली कुछ ना कुछ सिखाता है, क्योंकि आप चलते रहते हो। जब रोड पे इंसान चलता रहता है तो वो कुछ सीखता रहता है, कभी गिरता है कभी उठता है, सिस्टम है भाई। कहीं कहीं पुलिस वालों से कैसे कैसे बात करनी होती है। देखो हर जगह तो बदतमीजी नहीं दिखाई जाती, हर जगह बदतमीजी दिखाओगे तो भैया मार खाओगे। हर जगह हिसाब से बात करनी पड़ती है। चल भाई जो बात से नहीं मान रहे हो पैसों से मानने का बस इतना है, वही चीजे की बात है। और बाकी जिस भाई को गाड़ी सीखनी है तो भाई मैं टेलीग्राम और उसके चैट लिंक डाल दूंगा, व्हाट्सएप का भी लिंक डाल दूंगा। भाई कांटेक्ट में रहो, बस ये बोलता हूँ कि भाई कांटेक्ट में रहो। देखो चेक करो भाई, आपका भाई गाड़ी लेके निकला और पहुंच गया भाई सुमेरपुर, और टाइम हो गया 12। और ये देखो छोटा चेतन क्या कर, छोटा चेतन ने आज गाना सुन रहा है, गाने सुनेगा और सिंगर बनेगा, कह रहा मैं सिंगर बनूंगा। और भाई व्यू चेक करो भाई, पहाड़ सुंदर सुंदर पहाड़। अरे भाई ऑटोमेटिक चल रही अपनी गाड़ी, क्रूज कंट्रोल लगा रखा है, एवरेज दे रही गाड़ी 2.7 का, रात को 3.2 का दे रही थी। इनने गाड़ी चलाई 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर में तोते बांध दिए गाड़ी के। भाई पूरी भगाता है छोटा चेतन गाड़ी, 70, 75, 60, 65 मना करता हूँ भगाने के लिए, पर पूरी भगाएगा। जब तक इसके दिल को सुकून नहीं मिलेगा ना तब तक ये एक्सीलेटर का पंजा नहीं छोड़ता। फिर पता क्या बोलता है, फिर बोलता भैया एवरेज नहीं दे रही गाड़ी। बताओ यार हम एवरेज निकालते हैं बिल्कुल, देखो कितनी स्पीड में चला रहा, 50 चला रहा बिल्कुल प्यार से। और आगे चेक करो भाई, पाली 127 है, बयावर 235 है, सिहोगंज है भैया 51 किलोमीटर। और भाई आज चलते रहेंगे, आज खाना भी थोड़ा ऐसे ही रह सकता है, खाना भी मुश्किल है आज, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आज गाड़ी चलाऊँ, भूख भी नहीं है क्योंकि मुझे। एक तो यहाँ के टेम्पो वाले देख लो पूरी स्पीड में ट्रक को पास मार, गाड़ी चला रहे थे सुमेरपुर पे पहुंचे थे, देखो पत्थर मार के यार शीशा फोड़ दिया पूरा, ये वाला पत्थर मारा यार पूरी गाड़ी पे। वो उस गांव में था अभी गया वरुण उसके पीछे पीछे, ये देखो ना पूरा शीशा फोड़ दिया यार हमारा। बताओ ये देखो पत्थर मारा, देखो ये देखो पूरा खतरनाक तरीके से मारा भाई पत्थर, अभी भाग गया उसके पीछे, देखते क्या होता है। डंडा लेके निकला था मारने भाई, वीडियो में आगे भाई वो दो बच्चे थे भैया, ये देखो पूरा फोड़ दिया यार शीशा, प्लास्टिक यार कांच। गाँव से भी लोग आ रहे, देखो गाड़ी देखने कि भाई वो देखो गाड़ी देखने आ रहे। अच्छा भी आगे देखो, ये देखो ये पत्थर मार दिया अंदर वाला, वो बाहर जो है साइड खड़की, तो नुकसान तो नहीं हुआ कुछ, लगी तो नहीं है, हम तो बच गए साहब। वो ग्रासियों के लड़के देखो पूरे गांव के लोग आगे, बाकी मैं आपको बताऊंगा। देखो मीटिंग चल रही है, वो बच्चा कौन था आखिरकार जिसने ट्रक पे पत्थर मारा। और भाई निकल गए भाई सुमेरपुर में हमारे साथ, आपको पता है घटना घटित होगी भैया। मतलब आपका भाई प्यार से गाड़ी चला रहा था, वही ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल लगा के 50 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था प्यार से, और इतने में भाई ने बच्चे ने मारे पत्थर खींच के और बिल्कुल वो शीशा झाड़ दिया। और बड़म देसी हुई इसमें, बिल्कुल शॉट आ रखा भाई क्लियर। मैं वहाँ आपसे बात ही कर वार्तालाप कर रहा था, तो इतने में बहुत तगड़ा। और भाई गांव के लोग आगे, भीड़ तो होनी थी भैया कि भाई कुछ दिन पहले वहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी होता, बोले एक सरदार जी की गाड़ी थी वो पलट गिरी इसी कारण। मतलब समझ रहे हो, मतलब बच्चों के दिमाग में थोड़ी सी बात डालो जो भी माँ बाप हैं कि भाई चलती गाड़ी के पत्थर न मारे, चाहे वो छोटी गाड़ी हो चाहे कार हो चाहे बाइक हो, क्योंकि भाई पत्थर कहीं भी लग सकता है, आंख में लग जाए शीशा जाके ड्राइवर के, तो फिर भाई क्या करेगा भाई, गाड़ी एकदम बिचल जाती है समझ रहे हो। तो भैया उस चीज से बच्चों को समझाओ कि भाई ये काम गलत है। अभी देखो बच गए मान के चलो, चलो शीशा भी बीत गई आज हम पे बीत जाती। अभी एक और एक्सीडेंट हुआ उसमें दोनों ड्राइवर हमारे सिवाल के, दोनों हम जैसे थे, एक उम्र के और दोनों ही खत्म। बताओ
भाई मिनट नहीं लगता। घर में आप अपने बच्चों को समझाओ कि भाई चलती गाड़ियां पत्थर ना मारे, इतने बुरे हैं क्या यार हम। व्यू टनल भी आने वाली है आपके, बहुत तगड़ी, कितना प्यारा व्यू है। भाई वो टर्नल है देखो, येलो कलर की दिख रही है ना आपको टर्नल, मतलब पहाड़ी के अंदर अंदर को जाएंगे वो गड्डी लेके। बता रहा हमारे देश में दोस्तों राजस्थान, पूरी बाबा कितनी खतरनाक खतरनाक टर्नल। ओ ये ब्रेकर आ गया, आज मैं ऊपर जमाना है नीचे। क्या अंदर साइड में भैया टर्नल के अंदर गाड़ी लगा रखी है यार, थोड़ी लिफ्ट खराब होगी ना, लिफ्ट को ठीक कर रहे। ओ टर्नल कितनी तगड़ी है देखो, उतर के दिखाऊं। आ गया भैया एंड टर्नल का, और इधर खड़ा रहता है आरटीओ इधर ही। यार व्यू तो सही है पर यार जो इसमें मजा नहीं आता। और भाई विजिट करके आपका भाई पाली 74 किलोमीटर गाड़ी चला दी, जहाँ से सिस्सा फूटा था हमारा यार, दिल बहुत दुखा दिया उसने मेरा। 74 किलोमीटर गाड़ी चला दी है और टेम्परेचर देख लो भैया, इतनी गर्मी हो रही है। टायर चेक करते हैं अपने, अरे भयंकर पूरे भपक रहे भैया टायर। टायर देखने जरूरी है भाई दोस्तों, भाई ये देखो कमानी कितनी टेढ़ी हो रही भाई, इसमें दम दिलाना पड़ेगा भाई, जल्दी से जल्दी काम कराना पड़ेगा गाड़ी का। चलो यार भूख भी लग रही, कुछ खाते हैं नया, आज कुछ नई चीज़ खाने वाला है आपका भाई, वो मैं दिखाऊंगा आपको ढाबे पे। कौन सा ढाबा है ये? होटल स्काई वे, स्काई वे होटल स्काई वे। और भाई जब जब हमारा सिस्सा फूटा था ना ये वाला, तो छोटा चेतन ने पता क्या किया, छोटा चेतन पता क्या करा, डंडा निकाला इतना मोटा, और बच्चे पता कितने साल के थे वो बेचारे, नौ साल के थे, और उनके पीछे भाग गए गाड़ी से 37 साल। देख रहे हो कैसा आदमी है भैया, राक्षस है, आदमी नहीं राक्षस है। और एक बच्चे को पकड़ भी लिया इसने, रुला दिया यार उसे, रोने लग गया यार वो दोस्तों। पर यार उन्होंने गलत करा, वैसे सिस्सा फोड़ना नहीं चाहिए था, बल्कि हमारे लग जाता तो फिर बहुत बड़ा इंजरी हो सकती थी हमें। चलो चलते हैं यार, भूख लग रही मुझे बहुत ठाड़ी वाली, 2:30 हो चुके हैं। करो भाई हमारा खाना आ गया, आ जाए खाने में मटर पनीर, आए टेस्ट करेंगे। मटर पनीर है, लस्सी है, छोटा चेतन भी है, खाने के लिए नहीं है पर ये बहुत सुंदर बाइट बनाई है। मजा आ गया भाई, मजा बल्ले बल्ले हो गया भाई। खाना खाओ और ताकत बढ़ाओ। भाई ढाबे से निकला 4 बजे आपको भाई, मैं सो गया था, ये गाड़ी लेके निकला है। छोटा चेतन इस काम तो बढ़िया करता है कि वो अपना आप गाड़ी लेके चल जाता है, अपने ड्यूटी को बहुत अच्छे से समझाता है। और देखो एक्सीडेंट भी हो रखा है, चेक करो भाई। और भाई से मैं बहुत समझाता हूँ इस लड़के को, इसकी शक्ल में मत जाना, इसकी मासूम चेहरे बिल्कुल मत जाना, देख रहे हो गियर किस हिसाब से मारता है, इस हिसाब से ट्रक भगाता है 70-75। शक्ल में मत जाओ, इसकी मासूम शक्ल नहीं है भैया इसकी, ये मासूम शक्ल में मत जाना, 70-75 भगाता है ये गाड़ी। हाँ देख लो भाई, ये बिल्कुल नया गाड़ी है, BS6 पूरा पूरा पहला चक्कर ही गाड़ी है।
देखो इन्हीं कंपनी की गाड़ी और पूरा घोड़ा खत्म है भाई। और इसको समझाओ भाई दोस्तों, कमेंट करके बताना कि भाई आराम से चलाया कर, बोल देना। ये देख लो, ये देख लो इसकी हरकतें देख लो। राजस्थान वाले भाइयों इसको गाली दो, ये यो कहता है कि राजस्थान में पानी नहीं है। यार पानी तो है राजस्थान में, बांसवाड़ा तीन पानी है। अरे टापू में जाऊंगा पानी पीने यार, पानी मुझे प्यास यहाँ लग रही है, अब मैं टापू में जाऊंगा पानी पीने। यार क्या आदमी है यार दोस्तों, मुरक्ता का मेला है तो यार। अब तो टापू में चले गाड़ी मोड़, टापू चल ले पहले पानी पी के आएंगे वहां से। और भाई टाइम हो गया, देखो टाइम चेक करो भाई कितना हुआ। टाइम हो गया 5:30 जैसे कि भाई 5:30 बज गए हैं। और भाई भाड़ा बताने वाला था, भाड़ा लगाया हमारा 6200 रुपये। हमारी गाड़ी का माल है भैया 9 गाँव का, 6200 रुपये लगाया, 6200। तो अभी हम कहाँ गए भाई, कहाँ गए अभी लॉन्ग टाइम कहाँ गए? पाली तो यार ढाबे से निकले पाली तो। देख लो भाई ये राजस्थान है, परमानेंट रहता है। और इसको देख लो, बताओ बताओ क्या किया जाए इसका। अरे बर है, मार भी नहीं सकता। बर 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 भाई जो है अपना बर पहुंच गए भाई हम बर। तो ठीक है भाई, आज अपना ब्लॉग करेंगे बर में ही एंड, और कल को मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाकी आप कमेंट करके बताना कि भाई जैसे हमारा सिस्सा फोड़ दिया गया आज, और एक्सीडेंट भी हो गया यार आज, एक देखा खतरनाक एक्सीडेंट। ठीक है भाई, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, 5:30 बजे कल को मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। सबको जय श्री राम और प्यारी सी गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जय श्री राम, बल्ले बल्ले, बाय बाय। रोज लो मोज लो, नहीं मिले तो कोई।